गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। और 8th क्लास में आपका टॉपिक चल रहा था पैराग्राफ राइटिंग का। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक हम लर्न करेंगे। लास्ट टाइम के टॉपिक को आपने लर्न कर लिया होगा, नोटबुक में नोट कर लिया होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से इस पैराग्राफ को भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है और नोटबुक में नोट करना है। पैराग्राफ्स के कुछ रूल्स थे, हम लगातार पढ़ते हैं और रूल्स को एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद कुछ वर्ड्स दिए हुए, उन वर्ड्स पर नजर डालेंगे, उन वर्ड्स से कैसे सेंटेंस बनाए हैं, कैसे पैराग्राफ बना है, उसको केयरफुली पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग जो नीचे लिखे हुए हैं उन वर्ड मीनिंग्स पर भी हम नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पैराग्राफ के रूल्स सामने लिखे हुए हैं कि एक टॉपिक देते हैं, जैसे द काऊ। अब काऊ के बारे में मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं कि काऊ के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसको 10-12 सेंटेंसेस में लिखना होता है। 10-12 सेंटेंस तक लिख सकते हैं, 15 सेंटेंस तक भी लिख सकते हैं। हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स वहां पर आपको दिए जा सकते हैं। कई बार वर्ड्स नहीं दे करके सीधा एक टाइटल दे देंगे, एक सब्जेक्ट दे देंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि उसके 15 सेंटेंस कैसे बनाने। तो जो वर्ड दिया होता है उससे रिलेटिव में यहां पर खूब सारे हेल्प के लिए वर्ड्स दिए होते हैं, सब्जेक्ट के साथ में खूब रिलेटिव में वर्ड्स दिए होते हैं और इन वर्ड्स को देख करके ही हमें इस सब्जेक्ट पर एक पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए आज आपके सामने एक न्यू पैराग्राफ जिसका नाम है माय फैमिली। माय फैमिली आप सब जानते हो, हम सब फैमिली में रहते हैं। माय फैमिली का मतलब है मेरा परिवार, मेरा परिवार। अब माय फैमिली पर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब हर बच्चे की फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स तो होते ही हैं, किसी की वन सिस्टर है, किसी की टू सिस्टर्स है, किसी की थ्री सिस्टर्स है, वन ब्रदर हो सकता है, टू ब्रदर्स हो सकते हैं, थ्री ब्रदर्स हो सकते हैं, है ना। और पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं और भी किसी की आंटी या अंकल भी साथ में रहते हैं, है ना, बुआ जी भी साथ में रहते हैं। तो बहुत बिग फैमिली भी हो सकती है, स्मॉल फैमिली भी हो सकती है। तो हर फैमिली अलग अलग हो सकती है, मेंबर्स खूब सारे हो सकते हैं और छोटी फैमिली स्मॉल फैमिली भी हो सकती है। तो हमें सबको सिमिलरिटी देखते हुए एक जैसा क्लास में लिखवाते हुए, सब बच्चों को एक जैसा तरीका बताते हुए इन वर्ड्स को काम में लेकर के पैराग्राफ बनाना है। यानी सभी स्टूडेंट्स इन वर्डिंग को यूज करते हुए पैराग्राफ बनाएंगे। अदरवाइज कोई लिख देगा टू सिस्टर्स है, कोई लिखेगा थ्री सिस्टर्स है, कोई लिखेगा टू ब्रदर्स है, कोई ग्रैंड फादर साथ में, ग्रैंड मदर साथ में, कोई अंकल आंटी साथ में,
तो सबका मेटर अलग अलग हो सकता है, लेकिन है करेक्ट, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो किसी तरह की सेंटेंस बनाने में, पैराग्राफ बनाने में, इसीलिए इन कुछ वर्ड्स को देख करके और सभी क्लास के स्टूडेंट्स को एक जैसा हमें लिखने को देते हैं, जिससे सबके सेंटेंसेस इक्वल हो और सिमिलरिटी बनी रहे। किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम्स आती है तो दूसरे बच्चे से पूछ सकता है, और अलग अलग लिखेंगे फैमिली के अकॉर्डिंग तो फिर सेंटेंस बच्चे का समझने के लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो देखिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। सबसे पहला वर्ड आता है फैमिली, आपका परिवार स्मॉल छोटा है, इसको मिला के एक सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे परिवार में रहता हूं। फोर मेंबर्स, परिवार में चार मेंबर हैं, सिक्स हो सकते हैं, सेवन हो सकते हैं, मैंने बताया आपको, लेकिन सभी को एक ही बात ध्यान रखनी है इक्वलिटी के लिए, फोर मेंबर्स चार सदस्य हैं। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कौन है, बच्चे ही होंगे नेचुरली, स्टूडेंट्स हैं। फादर, पापा क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर है, पापा को डॉक्टर बनाना है। मदर टीचर, और मम्मी जो है ना आपकी वो टीचर है, मम्मी को टीचर बना दीजिए, ठीक है। सिस्टर, और आपकी बहन है एक, रीड्स वो पढ़ती है, अब कौन सी क्लास में पढ़ती है वो आपको बताना है, ठीक है। लव, एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, आप हो गए, आपकी सिस्टर होगी, आपके पेरेंट्स हो गए, फोर मेंबर्स फैमिली में हो गए, ठीक है। सिस्टर्स पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ते हो, आप लिखते हो, लिख रहे हो। लव, एक दूसरे से लव करते हैं। कुक्स, फूड खाना पकाती है, मम्मी खाना पकाती है, सिस्टर पढ़ती है, आप भी पढ़ते हो, तो खाना पकाने के बारे में एक सेंटेंस बनाना है। लुक्स आफ्टर, देखभाल करते हैं, पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करते हैं, लुक्स आफ्टर देखभाल करते हैं वो, है ना, तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, अच्छे मैनर्स सीख पाएंगे और बुरी हैबिट्स दूर रखेंगे, उनसे दूर रहेंगे, है ना, बेड कंपनी नहीं जाएंगे, ये कौन केयर करता है, पेरेंट्स करते हैं, तो पेरेंट्स लुक्स आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। बिग हाउस, एक बड़ा घर है, इसके बारे में बताना है कि हमें, हमारा जो है हाउस जो है वो बिग हाउस के रूप में है, उसको बताना है। प्ले गेम्स, और गेम्स खेलते हैं या खेल खेलते हैं सभी फैमिली के मेंबर्स, तो प्ले गेम्स का वर्ड यूज करते हुए हमें एक सेंटेंस बनाना है। हैप्पी फैमिली, और खुश परिवार, हमारा परिवार, हमारा फैमिली जो है ना, हमारी फैमिली जो है वो हैप्पी फैमिली है, बहुत ही खुश फैमिली है, अच्छा परिवार है, तो जिस फैमिली में खुशियां होती है उसमें बच्चे और पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, मैनर्स में अच्छे होते हैं, सोसाइटी में अच्छे होते हैं, उनके फादर्स भी, जिनकी मदर्स में वो सभी अच्छा वर्क करती है, अच्छा वर्क करती है तो सोसाइटी में नाम होगा, अच्छे काम करेंगे, है ना, तो फैमिली शुड बी हैप्पी, खुश होनी चाहिए, परिवार खुश होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इन सेंटेंसेस को देखते हैं, सबसे पहले स्मॉल फैमिली के बारे में लिखा हुआ है, तो माई फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली, मेरा परिवार एक छोटा परिवार है, माई फैमिली, मेरा परिवार इज ए स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार है, मेरा परिवार एक छोटा परिवार है, ठीक है बेटा। देयर आर फोर मेंबर्स, देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में चार सदस्य हैं,
अब यहां लिखा फोर मेंबर्स सेकंड वर्ड तो यूज किया, मेरे परिवार में चार सदस्य हैं। अब अपने बारे में बता, देखो क्या बताया खुद के बारे में, अब यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हो कौन हो उसके बारे में बताना है, खुद के बारे में ना पर्सनल। तो आई एम गोपाल, मैं गोपाल हूं, ठीक है। गोपाल की जगह आप सिमरन हो सकते हो, गोपाल की जगह आप मुकेश हो सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपना नाम दे सकते हो। आई एम ए स्टूडेंट, मैं कौन हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। एक स्टूडेंट हूं, जैसे हमने यहां लिखा स्टूडेंट्स बच्चे दोनों स्टूडेंट्स हैं। माय फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पापा एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, मेरे पापा एक डॉक्टर हैं या चिकित्सक हैं, ठीक है, डॉक्टर। नेक्स्ट, माय मदर इज ए टीचर, अब देखो मदर टीचर लिखा वर्ड में, इसको यूज किया हमने, माय मदर इज ए टीचर, और मेरी मम्मी एक अध्यापिका है या टीचर है, माय मदर इज ए टीचर, मेरी मदर एक टीचर है, ठीक है। अब सिस्टर, देखो सिस्टर रीड्स, सिस्टर पढ़ती है, तो सिस्टर के बारे में एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक बहन है, या मैं एक बहन रखता हूं, या मेरे एक बहन है, वन सिस्टर, ठीक है बेटा, आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है या बहन है। अब रीड्स ओ पढ़ती है, कौन सी क्लास से पढ़ती है उसके बारे में सेंस बनाया है, सी रीड्स इन सेवंथ क्लास, वह सेवंथ क्लास में पढ़ती है, आपसे छोटी है तो सेवंथ क्लास में पढ़ती है वो, उस सिस्टर को बताया एक सिस्टर है और वो सेवंथ क्लास में पढ़ती है ना, फैमिली में सिस्टर के बारे में बताया। नेक्स्ट वर्ड देखिए लव, ठीक है, तो क्या बनाया, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता लव मी, मुझे बहुत प्यार करते हैं, एंड माय सिस्टर, और मेरी बहन को भी बहुत प्यार करते हैं, वेरी मच, बहुत ज्यादा, मेरे माता पिता मुझे और मेरी बहन को बहुत ज्यादा लव करते हैं। वापस रीड करो इसको, माय पेरेंट्स लव मी एंड माय सिस्टर वेरी मच, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स मुझे और मेरे मेरी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें लिखा है कुक्स फूड, भोजन पकाती है, ठीक है, तो क्या बना, देखो माय मदर, मेरी मम्मी कुक्स पकाती है अवर फूड, हमारा भोजन, यानी मम्मी का काम है भोजन पकाना, और टीचर है तो वो स्कूल भी जाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, है ना, तो मम्मी जो है वो घर का खाना पकाती है और घर का खाना पकाने के बाद में स्कूल जाती है, ये वापस आके पकाते है, यानी मदर का वर्क भी हमने बता दिया। वापस रीड करो, माय मदर कुक्स पकाती है, कुक्स और हमारा फूड भोजन, हमारा भोजन मम्मी पकाती है, ठीक है बेटा, इस वर्ड को हमने काम में लिया। अब देखिए लुक्स आफ्टर, देखभाल करना, इसके लिए कौन सा बनाया हमने, सी लुक्स आफ्टर अस, वह हमारी, अस हमारी वेल अच्छी तरह देखभाल करती है, यानी मम्मी हमारी सबसे ज्यादा देखभाल करती है, पापा तो ड्यूटी पर रहते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, डॉक्टर है पापा तो टाइमिंग का कुछ पता नहीं, मदर मम्मी स्कूल जाते हैं, टीचर हैं, उसके बाद में घर का खाना पकाती है और हमारी अच्छी देखभाल करती है, मम्मी से सभी प्यार करते हैं, पापा से भी करते हैं,
तो मम्मी जो है वो अच्छी तरह हमारी देखभाल करती है, ये मम्मी के बारे में बताया हमने देखभाल करने के बारे में, ठीक है। और फिर लिखा इसमें बिग हाउस, एक बड़ा घर है, उसके बारे में क्या बनाया देखो, वी हैव ए बिग हाउस, हमारा एक बड़ा घर है, वी हैव ए बिग हाउस, हमारा एक बड़ा घर है, यानी हम बड़े घर में रहते हैं, बिग बड़ा हाउस घर, हैव मींस रखते हैं, वी मींस हम एक बड़ा घर रखते हैं, इट मींस हमारे एक बड़ा घर है, छोटी फैमिली है लेकिन हाउस बिग है, बड़ा परिवार है। नेक्स्ट इसमें लिखा है प्ले गेम्स, अब ये कह रहा है गेम्स खेलते हैं, हम गेम्स खेलते हैं ना, तो फिर क्या बना है, वी प्ले, हम खेलते हैं गेम्स, खेल इन द इवनिंग, शाम के समय, जैसे ही शाम के समय सारी फैमिली इकट्ठी होती है, मम्मी भी आ जाती है, खाना बना करके फ्री हो जाते हैं, स्कूल से भी फ्री हो जाते हैं, पापा भी शाम को आ जाते हैं, हम होमवर्क कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, स्कूल काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद में हम सभी मिलकर के इवनिंग को क्या करते हैं, गेम्स को खेलते हैं, वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, शाम को हम क्या करते हैं, गेम्स को खेलते हैं, है ना, कोई ना कोई गेम्स खेलते हैं, फैमिली के साथ में अगर कोई गेम खेला जाता है, फैमिली के साथ में अगर एक साथ टाइम बिताया जाता है तो सभी को अच्छा लगता है, सभी में लव बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, और ऐसी फैमिली हैप्पी फैमिली होती है, ठीक है बेटा। तो हमेशा साथ में रहिए, और शाम को गेम भी खेलना है, वो भी हमने लिखा है। और नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली, तो क्या बनाया मैंने, इट इज ए हैप्पी फैमिली, यह एक खुश परिवार है, यह एक बहुत ही खुश रहने वाला परिवार है, इस फैमिली में हमेशा हैप्पी कंडीशन रहती है, अच्छी परिस्थितियां रहती है, खुशहाल परिस्थितियां रहती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है हर वर्ड को यूज करते हुए हमने पैराग्राफ बनाया है, इसमें सेंटेंस देखो मैंने बताया 10-12 सेंटेंसेस को आपको लिखना होता है, तो इसमें हमारे सेंटेंस बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है बेटा, 15 अप टू 15 तक कर सकते हो आप, 15 सेंटेंस तक कर सकते हो आप, इसमें 14 है, और इतने ही सामने वर्ड्स दिए हुए, हर वर्ड्स को एक एक बार यूज किया हमने, तो जितने वर्ड्स है उतने सेंटेंस बना लिए, इसके अलावा आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हो या एक दो कम कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पैराग्राफ को लर्न करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में हम वर्ड मीनिंग पर आते हैं, इसमें जो वर्ड मीनिंग आए हार्ड वर्ड जो है उसको देखते हैं, SMALL, स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा या छोटी, छोटा भी हो सकता है छोटी भी हो सकता है ना, तो छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली के लिए छोटी, छोटी फैमिली है, छोटा परिवार है, तो इसके लिए स्मॉल वर्ड आया PARENTS, पेरेंट्स, पेरेंट्स में जो होता है माता पिता, बोथ मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स माता पिता है। READS, रीड्स, READS, रीड्स पढ़ती है या पढ़ता है। कुक्स, COOKS, कुक्स, कुक, कुक्स पकाना, पकाती है, मम्मी के लिए आता है, मम्मी खाना पकाती है ना, मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है, तो कुक्स वर्ड आया इसमें, इसका मतलब पकाना, कुक में होता पकाना, एस लग गया प्रेजेंट टेंस को बताता है ये, और मम्मी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए एस लगा दिया, तो कुक्स मम्मी खाना पकाती है ना, उसके वर्ड काम आया था। फिर देखिए लुक्स आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, लुक्स आफ्टर देखभाल करती है, एस लगा हुआ प्रेजेंट टेंस को बताया इसमें, तो लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करना,
और नेक्स्ट है यूएस अस हमें, यानी अस मीन्स होता है हमें। तो इस तरह से ये हार्ड वर्ड मैंने नीचे लिखे हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको वर्ड इसमें जो नहीं आता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए, आप नीचे वर्ड मीनिंग में उस वर्ड मीनिंग को ऐड कर सकते हैं, नीचे जोड़ सकते हैं, है ना। इसमें तो कितने 2, 4, 6 वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। आप इसमें आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं आता, जो नीचे नहीं लिखा हुआ, उसको मैंने ट्रांसलेशन में बताया, तो उसको भी आप नीचे ऐड कर सकते हो, है ना, बढ़ा सकते हो। इस तरीके से बेटा आपको माय फैमिली पर पैराग्राफ रीड करना है, इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है और आपको लर्न भी करना है, ठीक है। और लास्ट टाइम के जितने भी आपने पैराग्राफ या स्टोरीज या जितना भी ग्रामर का टॉपिक जो कुछ पढ़ा है, और एक चैप्टर भी पढ़ाया था मैंने क्वेश्चन आंसर, उसकी बाकी है वो देखते हैं, उसको करेंगे फिर। तो जितना वर्क भी आपको करवाया है उसको लर्न करते रहिए, कंप्लीट रखिए अपना होमवर्क। आपका होमवर्क कभी भी स्कूल में मंगवाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है, आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपका इन सभी का टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा हम आपको बता देंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट भी देना है, फिर आपके लास्ट में एग्जाम भी होंगे। तो इन सभी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बनेंगे और आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना, आपको अच्छी तरीके से नोट करना है, अच्छी तरीके से रीड करना है और लर्न भी करना है, और आने वाले टाइम में आपका होमवर्क भी चेक किया जाएगा, है ना, टेस्ट एग्जाम सब होंगे। तो आप जो है घर में रहिए, स्टडी करते रहिए, इधर उधर मत जाना, डोंट गो एनीवेयर विदाउट वर्क, बिना काम के नहीं जाना बेटा बाहर, ठीक है। और मास्क का यूज करना है आपको, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, हैंड वॉश करते रहिए बार बार, ठीक है, और पढ़ाई करते रहना। कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आती इसमें पैराग्राफ में, तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को यहां पर बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।